शिवपुरी जिले के पिछोर स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पिछोर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और इसकी शिकायत पिछोर थाने में दर्ज कराई है। दरअसल पिछोर तहसील के गुंजीपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय नंदा कुशवाहा पुत्र धन्नू कुशवाहा को पेट दर्द और हाथ पैर दर्द की शिकायत हुई थी। परिजन उन्हें 16 किलोमीटर का सफर करके बीते रोज नंदा कुशवाहा को पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। डेढ़ घंटे इंतजार बाद नंदा कुशवाहा की मौत हो गई। मृतक नंदा कुशवाहा के बेटे उमेश कुशवाहा ने बताया कि मैं अपने परिजनों के साथ पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र में मेरे पिता को लेकर पहुंचा था। इस दौरान उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया, जिसके बाद हम ड्यूटी डॉक्टर को तलाशते रहे, परंतु डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद नहीं था। नर्स से भी हमने डॉक्टर को जल्द बुलाए जाने की बात कही थी, परंतु वह टाल मटोल करते रहे। इस बीच लगभग डेढ़ घंटे का समय गुजर गया। इस अवधि में मेरे पिता नंदा कुशवाहा स्ट्रेचर पर दर्द से तड़पते रहे और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ड्यूटी डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक नंदा कुशवाहा के बेटे उमेश कुशवाहा ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत पिछोर थाने में भी दर्ज कराई है। उमेश का कहना है कि अगर समय पर उसके पिता को उपचार मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। नंदा कुशवाहा लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसका उपचार अन्य किसी अस्पताल में चल रहा था। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आए उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बारे में पिछोर BMO संजीव वर्मा द्वारा मुझे भी अवगत करा दिया गया था, साथ ही इसकी सूचना पिछोर SDM को भी BMO ने दी थी। प्राण चलेगा क्या करे, डॉक्टर नहीं मिले तो क्या करते। अब डॉक्टर होते तो प्राण तो नहीं जाते, कम से कम इतनी तो वो करते कि बाहर ले जाने लाख तो वो बचाने देते।